बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ई कैट मैथमेटिक्स फॉर ऑल पाकिस्तानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एडमिशन टेस्ट नस्ट जीकी फास प्यास एटसेट्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर सीक्वेंस एंड सीरीज। इफ ए कोमा जी कोमा एच आर इन आर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन अ हारमोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स then and g is positive then आपने बताना कि which option is correct। तो भाई जन याद रखें arithmetic mean जो होता है ना वो greater था geometric mean से और geometric mean बड़ा होता है harmonic mean से। भाई arithmetic mean बड़ा होता है geometric mean से और geometric mean बड़ा होता है harmonic mean से। your c option is correct। if a comma g comma h are arithmetic mean geometric mean and harmonic mean between two numbers and g is positive then A is greater than G and G is greater than H. Your C option is correct. बजन ये याद रखिएगा अरिथमेटिक मीन जो है ना वो ज्योमेट्रिक से बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हारमोनिक मीन कानून है जी थ्योरम है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हारमोनिक मीन। Your C option is correct। जी इफ ए कोमा जी कोमा एच आर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हारमोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स and g is positive then arithmetic mean is greater than geometric mean and geometric mean is greater than harmonic mean। your c option is correct। 41 hai ji ji the harmonic mean between two numbers a and b। bhai harmonic mean ka jo formula hota 2ab over a plus b bhai your c option is correct। harmonic mean ka formula 2ab over a plus b your c option is correct bhai jana harmonic mean ka formula 2ab over a plus b your c option is correct। हार्मोनिक मीन का फार्मूला डन है 2ab ओवर a प्लस b योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जान हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab ओवर a प्लस b योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। दी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज वो होगा 2ab ओवर a प्लस b योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। जी अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 6 इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 6 इज विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। Your D option is correct। भाई जान अरिथमेटिक मीन का फॉर्म था ए प्लस बी ओवर टू तो आपका आंसर आएगा 5। योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ए प्लस बी ओवर टू दोनों नंबरों को जमा करके दो से तकसीम करना योर आंसर विल बी 5। योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 6 इज तो आपका आंसर निकलेगा 5। योर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जी इफ A, if n is the first term, if a is the first term and r is less than 1 and comma is the common ratio of geometric progression then sn किसके बराबर होगा भाईजन sn बराबर होगा a into 1 minus r and over 1 minus r। if a is the first term and r जो ratio है वो less than 1 है is the common ratio of geometric progression then sn बराबर a into 1 minus r and over 1 minus r। योर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई एस एन बराबर था ए इंटू वन मंथी आर एंड वन मंथी आर योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई एस एन बराबर ए इंटू वन मंथी आर वन मंथी आर एस एन का फार्मूला ए इंटू वन मंथी आर वन मंथी आर जो आर जो है ना वो लेस देन वन होगा। भाई एस एन बराबर होगा ए इंटू वन मंथी आर एंड और वन मंथी आर जब रेशियो का लेस देन वन तो वी विल यूज दिस। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। इफ एन इज द फर्स्ट टर्म एंड आर रेशियो लेस देन वन then sn बराबर होगा a into 1 minus r and 1 minus r your a option is correct। your a option is correct जी। an infinite series geometric series convergent if r की absolute value less than 1 होगी। infinite geometric series is convergent by infinite geometric series convergent होगी जब r की absolute value क्यों होगी less than 1 जी। an infinite geometric series convergent if r की absolute value less than 1 होगी। your a option is correct जी। एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगी। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट इफ आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगी। योर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। भाई इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज कब करेगी जब आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगी। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। एन इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट इफ ए ऑप्शन जो है ना आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। infinite geometric series convergent if r की absolute value less than 1 होगी। your a option is correct।
इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन ए एन बराबर होगा जी, ए एन बराबर होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन ए एन बराबर है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? भाई ए एन बराबर था ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ए एन का फार्मूला था ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ए एन का फार्मूला था ए इंटू वन आर की पावर एन माइनस वन, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए एन बराबर होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन ए एन बराबर होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, योर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, योर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट जी। The tenth term of the progression 1 over 3, 1 over 7, 1 over 5, 1 over 7 is tenth term आपने बतानी है इस progression की या इस sequence की tenth term बतानी है, and which option is correct? Tenth term of this progression is आपने बताने का भाई which option is correct? भाई harmonic progression 1 over 3, 1 over 5, 1 over 7 up to soon, arithmetic progression होगा 3, 5, 7। अब ए टेन बराबर होगा ए प्लस नाइन डिज, भाई ए टेन बराबर होगा ए प्लस नाइन डिज, ठीक है जी, आंसर आ गया हमारा 21। ये टेन टर्म है इन 21 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और टेन टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का होगा 1/21, यह हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 1/21 होगा जी। भाई ए टेन निकला, टेन टर्म निकली इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 21, और टेन टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का होगा 1/21, 1/21, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई टेन टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन का निकली 1/21, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। टेन टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 1/21, योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, योर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबर रजी अल्लाह अन्हु तआला से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, शैतान यकीनन इस बात से मायूस हो गया है कि नमाजी जजीरा अरब में इसकी इबादत करेंगे, मगर इसके दरमियान फसाद डालने में वो कामयाब रहेगा। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यकीनन शैतान यकीनन इस बात से मायूस हो गया कि नमाजी जजीरा अरब में इसकी इबादत करेंगे, नमाजी जजीरा अरब में इसकी इबादत करेंगे, मगर इनके दरमियान फसाद डालने में वो कामयाब रहेगा, इसमें फसाद डालने में कामयाब रहेगा। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है जी। इसकी तशरीह यूं है, यह हदीस दलाइले नबुव्वत में से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पेशीन गोई सख्त साबित हुई कि मुसलमान आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और बाहम तल्लुकात मुनक़िता कर लेंगे, और ये काम शैतान की शरारत, इसकी वसफा अंगेजी की वजह से होगा। नमाजियों से मुराद मुसलमान हैं, नमाजियों से मुराद मुसलमान हैं। अल्लाह हम सबको हदायत वाली ज़िंदगी दे जी। कुफ़ारा मजलिस की दुआ, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।